हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल, क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक से टॉप चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लेक्चर नंबर आपका 16 का पार्ट 8। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यानी एक सर्कुलर रिंग के कारण हम इसी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आज आपका हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ओवर सर्कुलर लूप। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए, हमारा यहाँ आपका खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री श्री भाई गोयल बाबा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, इसके बिफोर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया था और किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो इसको कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला आपका आ रहा था E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन आज इस हेडिंग के अंतर्गत आपका फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू एक्स इंटू क्यू इंटू क्या मिला एक्स मिला अपॉन E स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो मुझे इसका इंतजार रहेगा इस लेक्चर के लास्ट में, और इस पे कुछ बात करेंगे कंडीशन का, स्पेशल केसेस का। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक हमने रिंग ले लिया, ध्यान दें, एक वायर लिया, उस वायर को रिंग नुमा हमने क्या कर दिया, उसका शेप बना दिया, यानी इसको चूड़ी जैसा बना दिया शेप इसका, ठीक है। एक सर्कुलर फॉर्म में इसको रोटेट कर दिया, इसको बनाया तो इसको ऐसे रखेंगे ऐसे दिखाई देगा, लेकिन जब इसको ब्लैकबोर्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो देखिए फिगर इसका साइडो बन रहा है। इसका कैसे साइडो बन रहा है, एक ये साइडो बन रहा है और एक ये साइडो बन रहा है। तो हमने इसको फॉलो किया इस साइडो को, यानी यह सर्कुलर रिंग इस ब्लैकबोर्ड के कैसे है तो आपका परपेंडिकुलर है, कैसे है परपेंडिकुलर। अब इस सर्कुलर रिंग को आप स्मॉल क्यू चार्ज देंगे तो वह स्मॉल क्यू चार्ज इसके सरफेस पर रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा फैल जाएगा, समान रूप से चारों तरफ क्या हो जाएगा फैल जाएगा। हमने माना कि सर्कुलर रिंग का रेडियस सेंटर से क्या है, सर्कुलर रिंग के सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या करनी है तो कैलकुलेट करनी है। अब आप देख सकते हैं यहां पर इस वायर के चारों सरफेस पर, इस रिंग के चारों सरफेस पर चार्ज क्या हुआ है तो आपका रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी चारों तरफ एक्सपेंड कर गया है, फैल गया है। अब आप देखें यहां पर हमने एक स्मॉल डिस्टेंस लिया ए बी के बिटवीन, आइए पॉइंट मान लिया सी, आइए पॉइंट मान लिया ओ, तो इसका डिस्टेंस आपका हो गया डी एम और इसके बिटवीन का चार्ज हो गया क्या डी क्यू। वैसे पूरा चार्ज क्या है इस तरह स्मॉल, तो अब स्मॉल चार्ज के कारण ये पॉइंट है। अब इसमें से हमने एक स्मॉल पॉइंट लिया, तो स्मॉल पॉइंट चार्ज के कारण स्मॉल डीएल लेंथ के कारण इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे अगर आप, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ध्यान दें ये डिस्टेंस हो जाएगा, यानी
इस पॉइंट सी से पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, मान लिया हमने आर। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। आप प्लस चार्ज के कारण, इस प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी किधर जाएगी, टू अवे जाएगी। चलिए ये आपका टू अवे इंटेंसिटी गई, लेकिन इससे कितना एंगल पर गई, थीटा एंगल पर। इधर भी क्या हो जाएगा, थीटा। जिससे आप एंगल लिया आपने उसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, डीई साइन थीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका डीई कॉस थीटा। तो ये डी कॉस थीटा किसके अलग जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलग जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर फिगर बनाने के बाद हम कह सकते हैं कि कंसीडर अ सर्कुलर रिंग आप और मेटालिक वायर आप और रेडियस स्मॉल ए एंड सेंटर ओ प्लेस परपेंडिकुलर टू द, पेपर पर लिखेंगे ना, पेपर पर बनाएंगे तो प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इतना लिखने के बाद कि लेफ्ट द रिंग कैरी अ टोटल चार्ज स्मॉल क्यू, यानी हमने माना कि इस रिंग पर प्लस क्यू चार्ज कैरी कराया गया, दिया गया। और जब प्लस क्यू चार्ज इसको दिया गया तो इस रिंग के चारों तरफ क्या हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी चारों तरफ फैल गया। तो लेट द रिंग कैरी अ टोटल चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरकमफेरेंस एंड पी, रिंग का पॉइंट क्या है, पी है। तो पी बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम अ सेंटर ओ। तो वेयर वी आर टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर क्या होगा जो आपको डिटरमाइन। तो इतना सोचने के बाद ध्यान से समझे, क्योंकि आपके बोर्ड में बहुत जबरदस्त पूछता है। नाउ सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग, नाउ सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग फॉर्मूला हो जाएगा टू बाई, क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग टू पाई ए। अब ध्यान समझे, हमने बिफोर क्लास में बताया था कि इस वायर पर चार्ज प्लस है दिया गया, तो यह चार्ज इसके सरफेस पर रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसका लेंथ अगर एल है तो इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते थे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला होता है। अरे लीनियर चार्ज डेंसिटी पर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर हम देख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग। अब इस रिंग का हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड किया, यानी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन अब लेंथ सरकमफेरेंस में हो गया, तो यहां के जगह पर आप क्या लिखेंगे, टू पाई ए।
सबसे पहले ध्यान से समझो, हम कहेंगे कंसीडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ अ मेटालिक वायर, ऑफ अ रेडियस ए एंड सेंटर ओ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर लेट द रिंग कैरी अ टोटल चार्ज ऑफ प्लस की डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कमफेरेंस एंड पॉइंट पी एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग। इसकी बात कर रहा है एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम अ सेंटर ओ। तो हियर वी आर टू बी रिमाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर पॉइंट पी। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ओवर रिंग इज इक्वल टू 2 पाई। As we know that linear charge density, charge per length, and lambda is equal to q upon l. तो यहाँ length की जगह हमने क्या ले लिया 2 pi a a a ले लिया। Again हमने AB जो distance लिया, इस ring का जो AB distance लिया, small distance लिया, simply in fact small distance जो लिया, उसको हमने कहा उसका length AB is equal to क्या माना दिया। स्मॉल इलेमेंट लेंथ के लिए स्मॉल चार्ज क्या मान सकते हैं आप डी क्यू मान सकते हैं, डी क्यू मान सकते हैं। तो आगे कंसीडर अ स्मॉल इलेमेंट ए बी इज इक्वल टू डी एल ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस ए बी एट अ डिस्टेंस ए बी ऑन द रिंग। तो वेयर ए बी इज टेकन एज द सेंटर ऑफ द एलिमेंट और चार्ज ऑन द एलिमेंट इज गिवन एज, यानी हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल। अब यहां पर लैम्डा निकाल चुके हैं तो आप लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू Q अपॉन 2 pi a इंटू डी एल, ये हमने लिखा ठीक है। तो हमें स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल चार्ज मिल गया। अब थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट का इंटेंसिटी इधर जा रही है, तो यहां पर अगर स्मॉल एलिमेंट डिस्टेंस ले ले ठीक इसके अपोजिट, जैसे एक आपने यहां लिया उसी तरह आप यहां ले लें, तो इसके कारण इंटेंसिटी यू जाएगी और इसके कारण इंटेंसिटी यू जा रही है, ध्यान दें ये इंटेंसिटी यू जा रही है और ये इंटेंसिटी यू जा रही है, जाने के बाद दोनों इंटेंसिटी ये हो जाएगी और दोनों का नेट रिजल्टेंट, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट किधर जाएगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये जो एंगल आपका जा रहा है अपोजिट साइड से, इधर से गया अपोजिट साइड से ये गया ठीक, तो यह एक्सिस से थीटा एंगल पर जा रहा है, इसका मतलब इससे थीटा एंगल पर जा रहा है, तो इसको लेंगे डीई का थीटा, इसको लेंगे डीई, इसको लेंगे डीई साइन थीटा, फिर देखिए ये है डी इससे थीटा एंगल पर है, इसके अपोजिट जिसे थीटा एंगल पर जा रहा है डी, तो ये हो जाएगा डी का थीटा और इसके अपोजिट हो जाएगा डी साइन थीटा, एक गया डी साइन थीटा एक गया डी साइन थीटा, यानी इक्वल बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन कैंसिल टू ईच अदर। जैसे मान लें यहां पर स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट का इंटेंसिटी इधर जाएगी डीई, तो इधर हो जाएगा डीई का थीटा, ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा आपका डीई साइन थीटा। तो ये डीई साइन थीटा, ये डीई साइन थीटा, ये भी डिस्टेंस आपका इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और चार्ज हमने डी क्यू ले लिया,
तो इसके कारण जो इंटेंसिटी ये मिलेगी वही इंटेंसिटी आपका ये मिलेगी और एंगल भी आपका क्या है सेम है। तो ये डी साइन थीटा अलोंग द वर्टिकली वाई एक्सिस और डी साइन थीटा अलोंग द वर्टिकली डाउनवर्ड वाई एक्सिस इक्वल बट अपोजिट इन नेचर कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो इनका अगर सब करते हैं तो इंटेंसिटी क्या आएगी आपकी जीरो आएगी। और हम इस स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर हम इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं डी तो हम ये किधर जा रहा है टोटल इस सेक्टर से एलान जा रहा है तो डी का सीधा निकालना पड़ेगा। तो आप केवल फिगर एक ही बनाए इस समझाने के लिए हमने बना दिया ठीक है। आपका इधर हो गया डी, इधर हो गया डीई का स्थित और इधर हो गया आपका डीई साइन थीटा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम कहेंगे था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई एट पॉइंट बी ड्यू टू द चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट लिखेंगे क्या इधर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है डीई का स्थित है ठीक है डीई एट पॉइंट कहां पे पी पर रिंग के एक्सिस पर ड्यू टू द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ठीक है ड्यू टू द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। अब देखिए स्मॉल एलिमेंट के कारण ठीक है हाँ तो स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है डी क्यू और लेंथ है डी आर। तो यहां पर आप कह सकते हैं डी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आई नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर स्क्वायर क्योंकि वैसे भी इस रिंग को आप बहुत डिस्टेंस दूरी से देखेंगे तो यह रिंग एक पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आपका होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टू अपॉन आर का स्क्वायर या पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पर फॉर्मूला वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टू अपॉन आर का स्क्वायर होता है ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लिखा उसी तरह से इस स्मॉल एलिमेंट का इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा डी 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 वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर लिखा। अब ध्यान से समझे डी क्यू इज इक्वल टू हमने लिखा क्या है लैम्डा इंटू डी एल या क्यू अपॉन टू पाई ए इंटू डी एल। इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं यानी अब मिल जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी एल अपॉन टू पाई ए इंटू आर का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अब ध्यान समझिए वेयर डीई वेयर डीई मेक्स एन एंगल थीटा डीई डीई एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इधर जा रहा है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इधर जा रहा है ठीक है। तो वेयर डी मेक्स एन एंगल थीटा विथ दिस एक्सिस ऑफ द रिंग ये डीई है और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर डीई है। तो वेयर डी मेक्स एन एंगल थीटा विथ दिस एक्सिस ऑफ द रिंग रिजॉल्व डी इंटू टू कंपोनेंट दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है एक
डीई कॉस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, एक डी साइन थीटा अलोंग द वाई एक्सिस, यानी वेयर डीई मेक्स एन एंगल थीटा this axis and axis, you say axis, this axis of the, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो रिंग, और देखिए जो DE है रिंग के एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो यार दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, तो रिजॉल्व DE इंटू टू कंपोनेंट, रिजॉल्व DE इंटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, कंपोनेंट में घटक, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है। पहला देखें यहां DE cos थीटा जो किधर जा रहा है, DE along the axis, दूसरा DE साइन थीटा जो किधर जा रहा है, along the y एक्सिस, और ध्यान दे सेम इसी तरह यहां से इसको मानते थे थीटा एंगल पर DE जा रहा था, इसके अपोजिट DE साइन थीटा, तो ये DE साइन थीटा और ये DE साइन थीटा इनका समेशन निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा का जीरो, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो इक्वल और अपोजिट होने के कारण इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो जीरो ना हो जाएगी, जीरो ना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरी बात आप ध्यान से समझे, ये आपके पास रिंग है, ये आपके पास रिंग है, तो रिंग का एक टॉप पॉइंट हुआ, ये रिंग का टॉप पॉइंट हुआ, तो इन दोनों टॉप पॉइंट से इंटेंसिटी यू जाएगी, और ये तो एक्सिस हुआ, इंटेंसिटी ये जाएगी क्रॉस करेगी इस पॉइंट पी पर, एक डी इधर चला जाएगा, एक डी इधर चला जाएगा, दोनों एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर डीई जा रहा है, तो इधर हो जाएगा क्या आपका डीई, इधर हो जाएगा आपका डीई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा आपका डीई साइन थीटा। इसी तरह आप ऊपर से ले लीजिए, ये जाए सर्कुलर रिंग है आपका, समझिए जरा सा, ये सर्कुलर रिंग है, तो रिंग से आपका खींचा हुआ जाएगा इंटेंसिटी ये है, पॉजिटिव चार्ज है, जाने के बाद इंटेंसिटी यू हो जाएगी, यहां हो गया एक्स एक्सिस, सेंटर से एक्स एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ऐसे थीटा एंगल पर यू जा रहे हैं, ऐसे भी आता है थीटा एंगल, ये थीटा एंगल इससे थीटा एंगल पर डी जा रहा है, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा डीई इसके अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा डी साइन थीटा। आप कहीं से भी देख ले, जैसे सपोज यहां पर ये कोण हो गया, इससे यहां पर देखें, इससे यहां पर देखें, एक इंटेंसिटी इधर जाएगी, एक इंटेंसिटी इधर जाएगी, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से थीटा एंगल पर डी जा रहा है, इससे भी थीटा एंगल पर डी जा रहा है, तो इसके इधर क्या हो जाएगा डीई साइन थीटा, इधर हो जाएगा डीई आपका साइन थीटा, ये इक्वल और अपोजिट होने का ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सेम अगर आप यहां से देखते हैं और इसके इधर इस साइड से देखते हैं, यानी यू ये देख, ये रिंग है, देखो ये स्टूडेंट, ये रिंग है, इस रिंग से इंटेंसिटी यू गई, ठीक यू गई, तो इस रिंग का सेंटर ये एक्स एक्सिस हुआ और ये इंटेंसिटी जा रही है, तो ये आपका इससे थीटा एंगल पर डीई जा रहे हैं, इसका ये वाला आपका हो गया डीई का थीटा, और ये हो गया आपका डीई साइन थीटा, और ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन।
समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो यानी जीरो हो जाएगा। तो आइए अब इसे आगे बढ़ते हैं। ये तो मिला आपको, और हेंस द नेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ऑल द कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, यानी पूरी सर्कुलर रिंग के लिए, टोटल रिंग के लिए पी पॉइंट पर, एक्सिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी देखना है। तो हम क्यों नहीं डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी टोटल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करेंगे, लिखा हमने ईबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स। अब डीई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा, डीई कॉस, ठीक है, इसके जवाब आप लिखें इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा यूज करेंगे। ये किसके लिए हो गया, टोटल रिंग के लिए हो गया, टोटल सर्कमफेरेंस के लिए हो गया। अब ध्यान दे, थोड़ी और बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो एग्जाम लेकर के चले आएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहे, हर एक टॉपिक आपको बताऊंगा, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ आई कैन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो जो भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से मेरे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, वह एनर्जी जब क्रिएट होगी तो मैं अधिक से अधिक मेहनत करके वीडियो को अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टोटल रिंग डीई कॉस थीटा ले लिया, और डीई की वैल्यू हमने यहां पर निकाल चुका है, इसको रखता हूं, ठीक है। आइए डी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लेता, क्यू इंटू डीएल अपॉन टू पाई ए इंटू आर का स्क्वायर, ये मिला हमको। चलिए लगा दिया टोटल रिंग, बचा क्या है आपको, कॉस, ठीक है। अब देखिए न ये बढ़ रहा है न ये बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, चार भी कांस्टेंट। हम अगर इस माल लेंथ का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल रिंग का ऑब्टेन हो जाएगा। अरे डियर स्टूडेंट, हम इंटीग्रेशन वहां करते हैं जहां छोटे से बड़ा करना हो, अगर बड़ा से छोटा करना हो तो वहां हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। आइए अब एक बात आ गया आपके पास, कॉस थीटा, तो सिंथ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपका एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझें, यहां पर देखिए अगर ये चीज भूलते हैं तो आप याद कर लीजिए, यहां पर मैंने लिखा है साइन कॉस टैन पप्पू बेटा पप्पू हरी हरी बेस हम लोगों का क्या है, यक्स है, हाइपरटेनस क्या है, आर है, क्योंकि ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपरटेनस। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ईपी इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है उसको बार किया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू आर का स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू रख दिया, एक्स अपॉन क्या मिला आर, इंटीग्रेशन ऑफ हमने डीएल ले लिया। यहां से आप देख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू इंटू एक्स 2 पाई ए इंटू स्क्वायर और आर, रख दें ऐसे स्क्वायर और आर को हटाइए, बट लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल रिंग, टोटल रिंग डीएल इज इक्वल टू बोल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग,
क्या बोल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग, तो इसके जगह पर बोल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग टू पाई, टू पाई ए, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे यहां पे, यानी इसका वैल्यू इधर लिख देता हूं, सिंस लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल सर्कुलर रिंग टू पाई, ओ आर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन टू पाई ए इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, इसके जगह पर लिख देंगे टू पाई ए। देखो बोल रहा है मैं तो रास्ते से जा रहा था, ये रास्ते से जा रहे हैं लेकिन रास्ते में कुछ कांटे मिल गए, जो इन दोनों को कांटे मिल गए, तलवारें मिल गए, जो दोनों को कैसे कर दिया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टू पाई ए था, दुनिया से चला गया, ये कैंसिल हो गए, मिला हमको वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, बोल सकते हैं आर का पावर क्यू। अब देखिए आर की वैल्यू हमने क्या रखा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर आप क्या करेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स, इसके जगह पर रखोगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आप रखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे इंटू वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रूट है, तो इसको आप हाफ लिख सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई। आज अभी रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल आपके पास ये क्वांटिटी बच जाएगी, अब इसको इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई, ये देखिए सर्कुलर रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, इस तरह से आपको फॉर्मूला मिला। आइए हम लोग देखते हैं इसके स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन देखते हैं। तो जैसे पॉइंट वाइज पॉइंट को नोट करें या वीडियो को सेट वीडियो को पॉज करके नोट कर लें तो हम थोड़ा सा स्पेशल केस बताते हैं, दो से तीन मिनट और आपका हम लेंगे, ठीक है आगे बढ़ता ये मिटाता। चलिए यहां पर ये पार्ट मिटा दिया, इतना में हो जाएगा। अब ध्यान दें अगर ये यक्स ये डिस्टेंस आपका क्वालिफाइड कर जाए किस पे, सेंटर पे, कहां क्वालिफाइड कर जाए सेंटर पर, तो जब सेंटर को क्वालिफाइड कर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रिंग जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब यहां एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी वेन द पॉइंट बी लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग यहां था यस आते आते एक्स को मैंने कहां ला दिया पॉइंट ओ पर लाया, जब पॉइंट ओ पर आया तो एक्स क्या हो गया जीरो हो गया, स्पेशल कंडीशन है। आई होप इतनी बात समझ आएगी। तो देन फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन एंड दिस इक्वेशन फॉर ई इट फॉलो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी जीरो मिलेगी। देखिए सेंटर पे आया तो भी जीरो, वैसे आप देखिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ेगा 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 इंफिनिटी पर आपने चला गया इंटेंसिटी क्या हो गई जीरो हो गई, तो सेंटर पर भी जीरो हो जाएगी और एट इंफिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, एक्स इंटीपर इंफिनिटी लगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी
जीरो हो जाएगी। आई होप इतनी बात समझ में आया। दूसरा कंडीशन, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, विन पॉइंट बी लाइज एट अ डिस्टेंस, विन पॉइंट बी लाइज एट अ डिस्टेंस। मान ऐसे बात ऐसे सुने, ये जो पॉइंट बी है आपका यस डिस्टेंस पर, वेन द पॉइंट लाइज एट अ डिस्टेंस, बट ए इस बात के रेडियस आर अ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू एक्स का स्क्वायर, यानी एस इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ए। अगर यह रिंग को अगर मान लो किसी एक्सटर्नल एनर्जी में हमने हिट कर दिया तो यह गल कर क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्ट निगलेक्ट कंपेयर टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की तुलना में ए को आप क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि किसी भी छोटी क्वांटिटी का छोटी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करें तो उससे भी कम आएगी। यहां तो मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद रूट निकालना है, यानी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रॉक्सिमेटली आप क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, यानी ईपी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया। फॉर्मूला आपको नजर आया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स का पावर क्यू, एक क्यू एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी पी इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या मिला एक्स स्क्वायर, तब वह फॉर्मूला हो गया पॉइंट चार्ज के कारण। मान लीजिए यह बहुत डिस्टेंस ए के कंपेरिजन में, एक्स के कंपेरिजन में ए बहुत छोटा है, यानी बहुत दूर से जब आपने देखा यानी बहुत जब दूर से आपने देखा एक्स के कंपेरिजन में ये क्या हुआ, बहुत छोटा, यानी जब इंफिनिटी से या इंफिनिटी ना जाकर कुछ दूर जाएंगे तो यह रिंग आपको एक पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आता है तो क्या आता है, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर आता था, बिल्कुल वहां यही आ रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो इसको जबरदस्त मेहनत करना है, आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछता है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दें इसका। तो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा, टॉपिक आज का आपका क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ओवर सर्कुलर रिंग। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो इसको अच्छी तरह से वॉच कीजिए, एक बार और रिपीट करके देखिएगा, जो भी समझ में नहीं आता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, इट्स ओके, बाय, जय हिंद।